गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम टू विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल यूट्यूब क्लासेज वी स्टार्ट एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर वन वच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एट डिजिलई टू हमें ये चेक करना है कौन सा नंबर डिजिटल वाई टू है नहीं रूल वन हमारा क्या कहता है ए नंबर एज डिट टू इफ इट्स यूनिट डिजिट इज जीरो टू फोर सिक्स एट ठीक है अब हमें ये देखना है इसकी लास्ट डेट क्या है अगर इसकी लास्ट डेट इनमें से कोई है तो वो टू से डिवाइड होगा अदरवाइज टू से डिवाइड नहीं होगा तो देखिए इसकी लास्ट डेट क्या है जीरो ज़ीरो है तो इसका अंदर डिवाइड होगा सिक्स है तो इसका अंदर डिवाइड होगा सेवन है तो डिवाइड नहीं होगा क्वेश्चन नंबर ऐसे ही सेम थ्री में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिब्ल बाई थ्री हम क्या करेंगे इसमें चेक करेंगे इसकी इसमें क्या है हमारा ये है ए नंबर ए डिबील बाई थ्री ऑफ डिजिट आर डिविजिबल थ्री मतलब जैसे नंबर दे रखे हैं हमें इसमें देखिए इसके लिए टू प्लस जीरो प्लस एट प्लस जीरो प्लस टू अगर ट्वेल्व है ये थ्री से डिवाइड है तो नंबर भी थ्री से क्या होगा डिवाइड होगा ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी क्वेश्चन नंबर सी डी ई एफ हम इसके कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट ये हम कंप्लीट कर लेंगे ए बी सी ये क्वेश्चन नंबर थ्री है टेस्ट ऑफ डिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर वाई फोर रूल्स फोर क्या कहता है ए नंबर इज इफ़ द नंबर फॉर्म वाई द लास्ट टू डिजेट डिवाई फोर मतलब इसमें क्या है लास्ट की अगर टू डिजिट डिवाइड बाई फोर से हैं तो वो क्या नंबर होगा फोर से डिवाइड होगा ठीक है देखिए जैसे ये है ये देखिए डिवाइड नहीं है लास्ट की टू डिजिट तो ये क्या नहीं डिवाइड होगा अब हमने तीन रूल पढ़े क्वेश्चन पहला रूल टू का क्या आएगा टू का डिवाइड होने के लिए इन ये नंबर लास्ट में होने चाहिए थ्री से डिवाइड होने के लिए इनका एड थ्री से डिवाइड होना चाहिए फोर में क्या है कि लास्ट के टू डिवाइड होने चाहिए क्वेश्चन नंबर फोर में आते हैं ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ डोएल फाइव फाइव से डिवाइड होने के लिए ए नंबर डोएल फाइव ए अगर उसकी यूनिट जो प्लेस है लास्ट वाली अगर ये जीरो या पाँच है मतलब क्या है जीरो या पाँच है तो ये क्या होगा फाइव से डिवाइड होगा ठीक है ऐसे हम क्वेश्चन नंबर बी और सी कर लेंगे टेस्ट डिजिटल फॉलोइंग नंबर सिक्स से अगर हमें देखना है तो सिक्स का रूल क्या है अगर टू और थ्री से डिवाइड होगा तो वो सिक्स से ऑटोमेटिक डिवाइड होगा वेरी गुड ठीक है ऐसे हम ए क्वेश्चन बी क्वेश्चन सी क्वेश्चन कर लेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स टेस्ट द डिजुअलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर वाई एट एट से डिवाइड करने का क्या रूल है ए नंबर डिवाइड एट इफ द नंबर फॉर्म वाई द लास्ट थ्री डिजिट इज अगर लास्ट की जो तीन डिजिट है अगर एट से डिवाइड है तो वो नंबर भी एट से डिवाइड होगा ऐसे क्वेश्चन नंबर सेवन में हमारा नाइन से डिवाइड करने का रूल है ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर एट है टेन से डिवाइड करने का रूल्स वेरी सिंपल अगर लास्ट में यूनिट प्लेस प्लेसा जीरो है तो नंबर क्या होगा हमेशा टेन से डिवाइड होगा एलेवन का हमारा रूल्स ये है अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर इसके नाइन के बी पार्ट पर, एलेवन का देखिए रूल्स ये सी ये डी ई एफ ये हम क्वेश्चन क्या कर लेंगे न कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर टेन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आई प्राइम नंबर हमें ये चेक करना है प्राइम नंबर कौन कौन से हैं तो टेस्ट द डिविलटी ऑफ द इफ ईच ऑफ द प्राइम नंबर टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन सेवन नाइनटीन फाइन वन सिक्सटी सोन नॉट डिविजिबल बाई ए नंबर अगर कोई नंबर इनसे डिवाइड है तो वो क्या है प्राइम नंबर है अदरवाई प्राइम नंबर नहीं है ऐसे क्वेश्चन नंबर बी सी और डी कर लेंगे क्वेश्चन नंबर इलेवन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्लेस स्टार वाई द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक द डि थ्री यहाँ हमें ये दे रखा है स्टार इसे हमें क्या करना है रिप्लेस करना है किसी नंबर से तो हम क्या करेंगे थ्री से डिवाइड होगा तो हम इसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे ऐसी क्वेश्चन नंबर हम ट्वेल्व क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ऐसी क्वेश्चन नंबर थर्टीन कर लेंगे ओके ये हमारी एक्सा थ्री पॉइंट टू पूरी हो चुकी है नेक्स्ट वीडियो में एक्सा थ्री पॉइंट थ्री समझेंगे